गाइए गणपति यज वंदन, गाइए गणपति यज वंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सदन गजवदन विनायक, सीति सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विदाता, गाइए गणपति जग वंदन, गाइए गणपति जग वंदन। मागत तुलसी मागत तुलसी दास कर चोरे, मागत तुलसी दास कर चोरे, बसही राम सिय मानस मोरे, बसही राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवन, गाइए गणपति वंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जग वंदन, गाइए गणपति जग वंदन, गाइए गणपति जग वंदन, गाइए गणपति वंदन। Thank you.
नारायण नारायण। दक्ष प्रजापति ने मुझे ऐसा श्राप दिया कि मैं एक स्थान पर क्षण भर से अधिक ठहर कर ही ना सकूं। नारायण नारायण। किंतु किंतु नारद को विश्राम कहा। नारायण नारायण। जीव गण सब चाहते हैं चैन हो आराम हो, दूर हो सब आपदाएं चित्त को विश्राम हो। नारायण नारायण। पर हो कहां विश्राम जगत में स्वार्थ की जब आग हो, हर जगह अपनी ही ढपली और अपना राग हो। नारायण नारायण। किंतु किंतु इस हिमालय की परम पुनीत छत्र छाया में आकर दक्ष का श्राप भी मुक्त हो जाता है। उत्तराखंड का यही तो प्रभाव है। नारायण नारायण। बहुत समय से समाधि लगाकर ईश वंदना भी ना कर सका, यही स्वर्ण अवसर है। इस अवसर को हाथ से कैसे जाने दूं। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। स्थान नारायण नारायण नारायण। नारद को तपस्या में लीन देख देवराज इंद्र व्याकुल हो उठे। उन्हें भय सताने लगा, कहीं ऋषिराज मेरा इंद्रासन तो छीनना नहीं चाहते। तभी उन्होंने आह्वान किया रतिपति कामदेव का। कामदेव प्रत्योषी। देवराज इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया, जाओ अपने तप बल से नारद की तपस्या भंग करो। सोच समझ ले काम, नारद पर तीर चलाना है। ये सादा मोहन भोग नहीं, लोहे के चने चबाना है। कामदेव ने तरह तरह के जतन किए किंतु विफल रहा, और वो देवर्षि नारद से क्षमा मांगने लगा। क्षमा देवर्षि क्षमा, क्षमा देवर्षि क्षमा। ओ शांति शांति शांति। नारायण नारायण। जाओ मदन देव जाओ, और अपने देवराज से कहना कि नारद से ठिठोली अच्छी नहीं। नारायण 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 नारायण। मैंने लोभ क्रोध मोह के बाद अब काम पर भी विजय प्राप्त कर ली है। नारायण नारायण। काम विजय का नारद, काम विजय का नारद। नारायण नारायण। क्यों ना भूत भावन को भी अपनी महिमा सुनाते चलूं। नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। देवाधिदेव महादेव को नारद का प्रणाम स्वीकार हो। धन्य देवर्षि धन्य,
तुम्हारे अटल प्रेम और भक्ति से मेरा कैलाश भी धन्य हो गया। नहीं प्रभु, ये तो आपके ही चरणों का अनुग्रह है और इस कैलाश की महिमा है प्रभु। नहीं देवर्षि, ये तो आपकी उग्र तपस्या ही थी जो आप इस परीक्षा में सफल हुए। हाँ भगवान, ये तो ठीक है, उस इंद्र ने तो मेरे ब्रह्मचर्य को नष्ट करने का पूरा उपाय कर लिया था, किंतु किंतु मेरे तपोबल के आगे काम निष्फल हुआ प्रभु। देवर्षि गर्व में फूल रहे, अहंकार में डूब रहे, इनका अहंकार मिटाना चाहिए, क्योंकि तपस्वी को अहंकार और दम्भ शोभा नहीं देता। नारद, मैं तुम्हारी मदर विजय से प्रसन्न हूं, इस हेतु तुम्हें सचेत करता हूं कि आज की वहां घटना किसी को विदित ना, यहां तक भगवान विष्णु को भी नहीं, उन्हें ज्ञात होने पर वे तुम्हें दंभी समझेंगे। सतुपुत्रेश के लिए धन्यवाद भगवान, किंतु किंतु साक्षात काम पर विजय पाने वाला नारद तुम भी नहीं प्रभाव नहीं। जब मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ही ली है तो लोभ मोह दंभ किस खेत की मूली है। नारायण नारायण। नारद, तुम समझाने पर भी नहीं समझे, अब वो गोलोकवासी ही तुम्हारी रक्षा। नारद, हमारे समाधि का समय हो आया है, अब हमें ध्यान मग्न होना। नारायण 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 नारायण। महामाया, जानती हो मैंने तुम्हें क्यों स्मरण किया? क्यों स्मरण किया प्रभु? मेरे अनन्य भक्त नारद के हृदय मोह उत्पन्न हो गया, वो काम को जीत कर अहंकार में भर गया। अपने प्रिय भक्त की ये दुर्दशा मैं नहीं देख सकता, उसे उस मोह की गर्द से बचाने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। हे लीलामय, आपकी लीला का पार पाना तो अत्यंत कठिन है, आज्ञा दे प्रभु, मुझे क्या करना होगा? नारद कैलाश से लौट रहा है, तुम उसके मार्ग में एक सुंदर नगर की रचना कर और स्वयं उस नगर की राजकन्या बनकर उस पर अपने मोह का जाल फैला, फिर तुम देखोगे कि मैं कैसे उसका मोह नष्ट कर उसे राह में लाता। जाओ महामाया, अपना कार्य आरंभ करो। जो आज्ञा प्रभु। माया का नगर रचा कर नारद का मोह हटा दूंगा, मोह दंभ की घटा हटा कर ज्ञान सूर्य प्रकटा दूंगा। नारायण 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 नारायण। भोले भाले भूतनाथ तो कहते थे कि मैं अपने काम विजय की कथा किसी से ना कहूं, यहां तक कि भगवान विष्णु से भी ना कहूं। नारायण नारायण। किंतु मैं इतना मूर्ख नहीं, भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जान गए होंगे। क्यों ना मैं स्वयं ही जाकर बता दूं अपने काम विजय की कथा। खूब नमक मिर्च लगाकर सुनाऊंगा मैं अपनी ये कथा। नारायण नारायण। और फिर सब जानते ही है कि नारद के पेट में किसी भी बात का पचना हा 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 संभव है। नारायण 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 नारायण। नारायण, ये सुंदरी कौन है, ये सुंदरी कौन है? नहीं मालूम नहीं मालूम, इसी से जाकर पूछता हूं। नारायण नारायण। बाल है नारायण। बाल है नारायण नारायण। उत्तर नहीं
प्रणाम रिसीवर। बाले, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? रिसीवर, मैं इस माया नगरी के राजा की एकमात्र संतान हूँ। मुझे मोहिनी कहते हैं। नारायण नारायण, जितना सुंदर रूप उतना ही प्यारा नाम। नारायण नारायण, राजमहल में रहने वाली राजकन्या होकर यहाँ क्यों आई? मुनिवर, पिताजी ने आज मेरे स्वयंवर की तिथि निश्चित की है। वरमाला बनाने हेतु मैं यहाँ पुष्प लेने आई हूँ। नारायण नारायण, इस सुंदरी का विवाह आज ही होना निश्चित हुआ है। इसकी हस्तरेखाएं देखकर ज्ञात करता हूँ कि वो कौन भाग्यशाली है जिसके हाथों में ये फूलों की डाली है। नारायण नारायण। बाले बाले, मैं समुद्र की विद्या भी जानता हूँ, तनिक अपना हाथ तो दिखाओ। नारायण नारायण, अति उत्तम अति उत्तम। रिसीवर, हाथ इधर है। मेष मकर कुंभ, मेष मकर कुंभ। नारायण नारायण, लक्षण तो उल्टे ही दिखलाई पड़ते हैं। वश ही विष्णु स्वरूप को वरेगी, रेखाएं तो यही बतलाती है। किंतु मैं ऐसा होने न दूंगा। इस अपार सुंदरी पर नारद का हृदय जो आ गया है। छल बल कौशल जैसे भी हो इसे हस्तगत करूंगा। नारायण नारायण, क्यों ना कुछ समय के लिए भगवान से उनका हरि रूप मांग लूं। वे बड़े भक्त वत्सल हैं, यही प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। नारायण नारायण। ऋषिवर ऋषिवर। नारायण नारायण, आपने हस्तरेखा तो देख ली किंतु हानि लाभ नहीं बताया। नारायण नारायण, अति उत्तम अति उत्तम है तुम्हारी हस्तरेखाएं। विष्णु स्वरूप वर पाओगी और तुम्हारी भाग्य रेखा ये भी बताती है, सदा सौभाग्यवती रहोगी। रिसीवर, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। अब मैं आज्ञा चाहती हूँ। माँ राह देखती हूँ। जी तो नहीं चाहता, जाने के लिए कैसे कह दूँ। अच्छा जाओ कन्या। तो मैं जाओ रिसीवर। जाओ कन्या। तो मैं जाओ रिसीवर। जाओ कन्या जाओ। तो मैं जाओ रिसीवर। जाओ। नारायण नारायण। गई 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 और साथ में नारद का हृदय भी ले गई। विलंब व्यर्थ है, मुझे शीघ्र ही भगवान से हरि रूप की याचना करनी चाहिए। नारायण 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 नारायण। बड़े भक्त वत्सल निकले दया सिंधु मेरी प्रार्थना की देवकी, और उन्होंने मुझे उसी सुंदरी के अनुरूप रूप देकर कृतार्थ कर दिया। कितना सुंदर लगता हूँ ना अरे भाई लगता हूँ ना इस हरि रूप में। अब वो सुंदरी मुझे देखते ही जयमाल मेरे ही गले में डालेगी। हरि रूप जो पाया है मैंने, जाता हूँ स्वयंवर में, उड़ता हुआ इस अंबर में, जाता हूँ स्वयंवर में, उड़ता हुआ इस अंबर में, जाता हूँ।
प्यारे नारद को ब्रह्मचर्य से गृहस्थ बनने की धुन समाई। मैं जानता हूं नारद इतना पतित नहीं, किंतु उसके हृदय में मोह उत्पन्न करना ही मेरी माया का चमत्कार है। इसी माया के मोह वो मुझसे हरि रूप मांगने आया, मैंने भी हरि रूप देकर पीछा छुड़ाया। किंतु उस बेचारे को क्या पता कि बंदर का रूप भी हरि रूप होता है। वो उस रूप को लेकर स्वयंवर में गया है। जब भरी सभा में सभी उसका वो रूप देखकर हंसेंगे तो उसका सारा क्रोध मुझ पर टूट पड़ेगा, यहां तक कि वो मुझे श्राप भी दे बैठेगा। किंतु भक्त के हित के लिए उसका श्राप भी धारण करना होगा। स्वयंवर से क्रोधायुक्त नारद अब लौट ही रहा होगा। अब अपने रचाए नाटक का अंतिम दृश्य छुपकर देखता हूं। भक्त का मैं प्राण हूं तो भक्त मेरा प्राण है, भक्त है भगवान का तो भक्त का भगवान। भक्त है भगवान की, बड़ा भक्त वत्सल दया सिंधु कहलाता है। मुझे बंदर का रूप देकर आप क्षीर सागर में दो दो स्त्रियों सहित विहार करता है, और यदि हमने एक स्त्री से प्रेम करें तो जलता है कुड़ता है। देवर्षि का क्रोध अधिक बढ़ गया है, अब मुझे श्राप मिलने ही वाला है। क्रोध की ज्वाला और अपमान की अग्नि ने नारद के हृदय को पागल बना दिया है। मेरे क्रोध की ज्वाला अब फूट निकलने वाली है। गोलोक में निवास करने वाले विष्णु, जिस प्रकार आज मैं स्त्री विरह में व्याकुल हूं, उसी प्रकार तुझे भी गोलोक छोड़ मृत्यु लोक में जन्म लेते हुए सांसारिक जीवों की भांति स्त्री विरह में वन वन भटकना पड़ेगा। सांसारिक जीवों की तरह तुझे स्त्री विरह में वन वन भटकता देख तब मैं हंसूंगा, और रही बंदर का रूप तेरी रक्षा करेगा। मिथ्या न होगा कभी, यह मेरा कथन है, नारद का श्राप है ब्राह्मण का वचन है। और शमशान वासी शिव के गांव जय और विजय, वे भी मुझे स्वयं मन में देख हंस रहे थे। तो दुष्टों, तुम भी मेरी क्रोधाग्नि से बच नहीं सकते। तुम्हारी दुष्टता मैं तुम्हें यह दंड देता हूं कि कालांतर में ऋषि मुनियों को सताते हुए अत्यंत कष्ट के भागी बनोगे। देवर्षि का क्रोध पूरे तापमान पर है। अब अपनी माया को समेट लेता हूं और मुनिराज को मुक्त करता हूं। ये कैसा चमत्कार है, ये कैसा चमत्कार। वो सुंदर नदी कहां गई, वश ही कुछ भेद है अभी पता लगाता हूं। नारायण नारायण, तो ये सब उसी लीलाधारी की लीला थी। मुझे स्त्री मोह से मुक्त करने के लिए प्रभु ने ये लीला रची। लेकिन लेकिन
स्त्री मुंह में पड़कर हे नारद तूने ये क्या किया, अपने ही प्रभु को श्राप दे डाला। अब किस मुंह शक्ति प्रभु के पास जाओ। क्षमा क्षमा दया निधान क्षमा, जो हृदय कुशक पूर्व स्त्री मुंह में लिप्त था वो अब पश्चाताप की अग्नि से अनुतप्त है प्रभु। देवर्षि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये तो मेरे रचाए नाटक का एक दृश्य था। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। देवश्री काम को जीतने के पश्चात तुम्हारे हृदय में मोह और दंभ घर कर गए थे। मैं भक्त को सदा काम क्रोध और लोभ से दूर देखना चाहता हूं, इस हेतु मुझे ये नाटक रचना पड़ा। जय हो दया निधान की जय हो। लेकिन लेकिन प्रभु मेरे श्राप का क्या होगा? उसकी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे श्राप के फल स्वरूप मैं मृत्यु लोक में सूर्य वंश के मुकुटमणि राजा दशरथ के घर जन्म लूंगा। वह राम के नाम से सांसारिक लोगों को मातृभक्ति पितृभक्ति भ्रात प्रेम कर्तव्य सौजन्यता और एक पत्नी व्रत जैसे आदर्श भी दिखलाऊंगा। धन्य है कृपा निधान। लेकिन प्रभु वो जय और विजय का क्या होगा? तुम्हारे श्राप के कारण वे दोनों ही रावण और कुंभकर्ण के नाम से महा अत्याचारी व्यक्ति होंगे। ऋषि मुनियों को प्रताड़ित कर उनसे भी कर याचना करेंगे। रुधिर मत को एक घड़े में एकत्र कर उसे जनकपुर में गाड़ेंगे और यही घड़ा उनके विनाश का कारण होगा। जब उनके अत्याचार से पृथ्वी अकुला उठेगी तभी बनवासी राम के रूप में मेरे द्वारा उनका हनन होगा और वे दोनों मृत्युलोक से शिवलोक को जाएंगे। जय हो कृपा निधान की जय हो बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृपा सिंधु की, नारायण नारायण। जय विजय श्राप से भृगु मुनि के त्रेता में निशिचर विकट हुए, दश कंधर कुंभकर्ण बन पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंधर था, जिसके भुज दंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। नमः शिवाय। रावण रावण वर मागू रावण। हे प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं अजर और अमर रहूं, त्रिभुवन में मुझसा विजेता कोई ना हो। वर दीजिए प्रभु। तथास्तु। कुंभकर्ण वर मागो। हे प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं 6 मास खाता रहूं और 6 मास निद्रा में रहूं। तथास्तु। पुत्र विभीषण वर मागो। हे प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं हमेशा भक्ति में लीन रहूं। तथास्तु। नमः शिवाय। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश, थे नृपाल दशरथ जहां रघुकुल नमन
हस्तिनेश सब था राजा के पुत्र न था दत्तक भी कोई लिया न था सब था राजा के पुत्र न था दत्तक भी कोई लिया न था विघ्ना ने बेटा दिया न था घर तो था घर का दिया न था विघ्ना ने बेटा दिया न था घर तो था घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास गुरुवर ने तब ये शब्द कहे अच्छा ये दुख दमन कर दो इस घबराहट से चिंतन का यत्नों से परिवर्तन कर दो इच्छा है अगर पुत्र ही की पुत्रेष्ठी यज्ञ संविधान करो पाओगे चार पुत्र राजन भगवान विष्णु का ध्यान करो जो आगे तभी ऋषि मुनि विश्वामित्र महाराजा दशरथ से मिलने आए।
सो करत ना लावा पारा असुर सा मुह सता असुर सा मुह सता वही मोही मैं या जकन पे आया हूं तो ही मैं यार जगन पे वही तो ही मैं जगन हे राजन, जंगल में पूरा असुरों का समूह मुझे दिन रात परेशान करते रहता है, इसलिए मैं राम और लक्ष्मण की याचना के लिए तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं। चौथे पन पायऊं सुते चारी चौथे पन पायऊं सुते चारी विप्र वचन नहीं कहे हूं विचारी विप्र वचन नहीं कहे हूँ विचारी मांगहूँ भूमि धेनु धन कोशा मांगहूँ भूमि धेनु धन कोशा सर्वस देता हूँ आज तजिरो सर्वस देता हूँ आज तजिरोषा चौथे पन पायऊं सुते चारी चौथे पन पायऊं सुते राजन राम लक्ष्मण को बालक समझकर मत रोके। राम लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र जी के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। जो आज्ञा मुनिवर। हे राम लक्ष्मण, तुम दोनों मुनिवर के साथ वन में जाओ और असुरों से मुनिवर की और यज्ञ की रक्षा करो।
मुनिवर। आज्ञा गुरुदेव।
मैं तो ताली का तड़ाग पाऊ नैनिक पता कई
मारे से पाऊ ना इनका पता बाज आज से तन खींच लूंगी जवान बाज आज से तन खींच लूंगी जवान ये पुत्ता ये पुत्ता तो मतलब था यार क्यों बनाती है बातें अरे बेहया क्यों बनाती है बातें अरे बेहया छूट जाएंगे बाण निकल जाएंगे प्राण छूट जाएंगे बाण निकल जाएंगे प्राण तू तो जीने से लगती बेकार है अरे दूसरे संग्राम देखते क्या हो संग्राम करो युद्ध करो अरे तालिका समझ जा वरना सीधे यमपुर जाएगी आओ युद्ध करो जो आज्ञा गुरुदेव वे सठ बालक धनुष चढ़ाई रे सठ बालक धनुष चढ़ाई आवा हम संग लड़न लड़ाई आवा हम संग लड़न लड़ाई देखूं अति सुंदर तन तोरा देखूं अति सुंदर तन तोरा दयावंत भामन अति मोरा दयावंत भामन अति मोरा जैसे हम बालक दो भाई देख अभय तू ही परथ लखाई देख अभय तू ही परथ लखाई अति ही तीक्ष्ण है बाण हमारे लागत रही है ना प्राण तुम्हारे लागत रही है ना प्राण तुम्हारे अरे दुष्ट मार तुझे तो मैं अपने इस फरहीन बाण से ही सहस्त्र योजन दूर छटका देता हूं जाओ मारीच जाओ और युद्ध करो Yeah.
अरे सुबाहु, सामने आओ और युद्ध करो। जो आज्ञा गुरुदेव। राम अवतार मोहे शाप से छुड़ाई है,
राम अवतार मोहे शाप से छुड़ाई है, शाप से छुड़ाई मोहे पाप से छुड़ाई है, शाप से छुड़ाई मोहे पाप से छुड़ाई है, राम अवतार मोहे शाप से छुड़ाई है, स्वर्ग में जाऊं पद पाऊं नहीं आऊं फिर, स्वर्ग में जाऊं पद पाऊं नहीं आऊं फिर, जय 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 राम महा राज सुखदाई है, जय 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 राम महा राज सुखदाई है।